आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्योरी ऑफ डेंसर मीडिया ऑन ए कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें जो पहला केस आता है वो आता है हमारा रियल इमेज के लिए, जो इमेज रियल फॉर्म होती है। ये हमारा कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये हमारा रेयरर मीडियम जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मी वन मान लिया, और ये हमारा डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट कर लिया हमने मी टू। ये हमारा पॉइंट ओ जहाँ हमारी इमेज ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट से रेज आएगी निकल कर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर, यहाँ होगा रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये जाना तो सीधा जाती थी मगर ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी हमारा, और ये यहाँ पर जाकर कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर बन जाएगी इमेज। नॉर्मल और इस पॉइंट को लेट कर लिया पी ए पोल, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिस पॉइंट को मान लेंगे एल। ये इसको मान लेंगे एच, और ऑब्जेक्ट वाली जो रे है उसके साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे अल्फा होता, और जहाँ इमेज होता इमेज वाली रे के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे गामा उसे बीटा मानते हैं। और जो नॉर्मल वाली के साथ बनता है उसे वर्तमान लेट कर लेते हैं गामा। ये हो जाएगा म्यू वो यू, यहाँ तक के डिस्टेंस जहाँ तक की नॉर्मल है वो पॉइंट सी, और यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी आर, और ये इमेज तक की डिस्टेंस वी। यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, वी हो जाएगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, आई हो जाएगा आई एंगल, एंगल आर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मी हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन इंडेक्स
ऑफ रेयर मीडियम और म्यूटी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये पॉइंट एम अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, एंगल मेड बाय ओ एम एंड आई एम एंड सी एम विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम आएंगे इन ट्राइंगल एम ओ सी में, एम ओ सी इसमें आई एंगल एक्सिस एंगल है, एक्सिस एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, आई हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस गामा के इक्वल, इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। फिर आएंगे इन ट्राइंगल एम आई सी में, एम आई सी इसमें जो गामा है वो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और इसको निकाल आर निकाल लेंगे, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर नहीं पर अभी नहीं मानेंगे। अब अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम, एम पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, देयरफॉर I and R are very small angles, so sin I को I के इक्वल मान लेंगे और sin R को R के, then I upon R is equal to mu टू upon mu वन, यहाँ से आएगा mu वन I is equal to mu टू R। अब जो आई और आर की वैल्यू फाइंड करिए वो इसमें डाल देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास म्यू वन आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। अब यहाँ से अल्फा अल्फा वाला ये वाला इधर की साइड ले जाएंगे, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू टू अल्फा माइनस म्यू टू अल्फा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू यहाँ से गामा को माना जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। करेंगे सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो अल्फा को एक मान लेंगे टेन अल्फा के इक्वल, और जो टेन अल्फा है टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन
यू, फिर नेगेटिव आई यू, ऐसे बीटा को इक्वल कर लेंगे, टेन बीटा, और टेन बीटा हो जाएगा हमारा, टेन बीटा ये रहा परपेंडिकुलर एच, और बेस हो जाएगा हमारे पास वी, पॉजिटिव का वी, एच अपॉन वी। अब गामा को कर लेंगे टेन गामा, टेन गामा हो जाएगा ये रहा गामा, परपेंडिकुलर एच, और बेस आ जाएगा आर, एच अपॉन आर, ये भी पॉजिटिव का होगा। अब अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू हमने निकाल ली है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन सेकंड। म्यू वन अल्फा की वैल्यू जाएगी एच अपॉन माइनस सी, प्लस म्यू टू बीटा की वैल्यू जाएगी एच अपॉन वी पॉजिटिव की, गामा की वैल्यू एच अपॉन आर, म्यू टू माइनस म्यू वन। यहाँ से एच को माना जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस यू, प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू एच अपॉन आर, म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ से आर एच से एच कट जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यहाँ से हमें रिजल्ट आ जाएगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इजिकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। बात करते हैं वर्चुअल केस की, इसकी इमेज हमारे पीछे बनती है। इसमें सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल एम ओ सी, एम ओ और सी, इसमें आई एंगल एक्स एंगल बन जाएगा, जिसमें आई इजिकल टू एल्फा प्लस एल्फा प्लस अल्फा और प्लस आर के इक्वल हो जाएगा गामा, गामा अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा इन ट्राइंगल एम आई सी, एम आई सी, इसमें आर एंगल एक्स एंगल बन जाएगा, तो आर इज इक्वल हो जाएगा हमारा बीटा प्लस गामा के। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम पर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। सिंस I and R are very small angles, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन I को I और साइन R को R। I upon R is equal to mu two upon mu one, mu one I is equal to mu two R। अब इसमें I और R की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे, putting the value of I and R, mu one आई है हमारे पास अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, और आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा प्लस म्यू टू गामा।
ए वाला इधर की साइड आएगा, म्यू टू बीटा प्लस म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा, ये वाला इधर की साइड आ जाएगा, म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा कॉमन म्यू टू माइनस म्यू वन। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद करेंगे सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो अल्फा को नियर बाई इक्वल कर लेंगे टेन अल्फा, जो टेन अल्फा हो जाएगा हमारा एच अपॉन यू माइनस का यू, एच अपॉन माइनस का यू, बीटा को नियर बाई इक्वल टेन बीटा, तो टेन बीटा आ जाएगा हमारे पास एच अपॉन माइनस का वी, एच अप माइनस का वी, गामा गामा को नियर बाय टेन गामा दे देंगे, गामा आ जाएगा हमारे पास ये रहा एच अपॉन प्लस आर, एच अपॉन पॉजिटिव का आर। Putting the values of alpha, beta and gamma in equation first, alpha, beta, gamma की जो वैल्यू लिखाई है इस इक्वेशन में डाल देंगे फर्स्ट जो हमने मानी है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू वन अल्फा एच अपॉन माइनस यू माइनस म्यू टू एच अपॉन माइनस वी इक्वल टू वी वो सॉरी गामा म्यू टू माइनस म्यू वन, और जो गामा की वैल्यू हमने फाइंड करी है वह एच अपॉन आर, एच अपॉन आर। एच यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो म्यू वन अपॉन माइनस यू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा म्यू टू अपॉन बी इजिकल टू एच अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन, एच से एच कैंसिल, इसे लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये वर्चुअल वाला केस ही हमारा हो गया कंप्लीट।